मेरा नाम मदन लाल है जी। मैं मंदिर गया था, अचानक वहाँ से भालू आ गए, भालू ने जो अटैक कर दिया। तो रीस के वास होकर गांव के लोग वहाँ पहुँच गए, मुझे छुड़ाया। सबसे पहले तो मैं उस व्यक्ति को सांत्वना देना चाहूँगा जिस पर भालू ने आज हमला किया है। भगवान उसको जल्द स्वस्थ करे और वो घर वापस आए, जिसको जिला हेडक्वार्टर में रेफर किया है। तो एक दुखद घटना है कि भालू ने उस पर सुबह सुबह ही 9 बजे हमला कर दिया। एक चिंतनीय विषय है। इस पर मैं फॉरेस्ट का भी ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि DFO डलहौजी जो है वो इस पर ध्यान दें, जो बहुत सारे भालू, बंदर और अन्य जानवर जो घर तक पहुँच गए हैं और जान माल के साथ जो इंसानी पर भी जो हमले हो रहे हैं, ये बहुत एक चिंता का विषय है। और साथ में लगते स्कूल हैं, सुबह सुबह स्कूल के बच्चे आते हैं। अब जो अभिभावक जो अपने बच्चों को निश्चिंत होकर स्कूल भेजते थे, अब वो चिंता भी बच्चों के प्रति उनकी बनी रहेगी। तो मैं जल्द से जल्द ये चाहूँगा कि फॉरेस्ट विभाग और अन्य नगर परिषद जो जहाँ पे भालू का हमला हुआ है वहाँ बहुत सारा गार्बेज जो है वो बिखरा पड़ा था, और भालू वहाँ पे गार्बेज जो है वो खाने के लिए आते हैं। क्यों गार्बेज वहाँ पड़ा रहता है? नगर परिषद का पार्षद होने के नाते मैं खुद भी जिम्मेवारी लेता हूँ कि आने वाले समय में इस पे स्ट्रिक्ट जो है वो कार्रवाई की जाएगी। गार्बेज क्यों प्रॉपर नहीं उठता है, और गार्बेज अगर उठता भी है तो वहाँ क्यों फेंका जाता है और किन लोगों के द्वारा फेंका जाता है, और नगर परिषद जो अधिकारी हैं उस पर क्या कर रहे हैं, उसका भी मैं अभी एक आध दिन में उस विषय पर मैं नगर परिषद ऑफिस में जाके बात करूँगा। और आने वाले समय में गार्बेज भी ना रहे और बंदर, भालू और अन्य जानवर जो गार्बेज और अन्य सामग्री जो खाने आते हैं वो सड़क तक और घर तक ना पहुँचे, इस पर मैं जो कार्रवाई जो प्रशासन से चाहूँगा कि जल्द से जल्द ध्यान दें। और SDM महोदय डलहौजी का भी मैं ध्यान इस पर दिलाना चाहूँगा कि वो भी अपने लेवल पर सख्त से सख्त जो कार्रवाई जितनी हो सकती है वो करें।